अंजलि एक्शन। फील इट। तो हाँ जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जैसा कि लास्ट बोल ही रहा था कि भाई आज वो फाइनली दिन आ गया जहाँ पे कि हम जा रहे हैं ट्रैक के ऊपर कुछ नए दोस्तों के साथ। तो हेलो सर, क्या हाल चाल है आपके? फाइन, बढ़िया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी रवि। बिल्कुल वेलकम, मोस्ट वेलकम भरमौर की धरती पे इमरान शाह। चलो फिर एक्साइटेड हो ट्रैक पे जाने के लिए? yes, of course, we are चलो excited. तो अभी यहाँ पे फिलहाल थोड़ी सी शूटिंग कर रहे थे भाई साहब। चलो शूटिंग कंप्लीट होने देते हैं। राजू भाई आपकी बारी भी आ गई है, क्या कर रहे हो? तो एक्चुअल में यहाँ पे चल किस चीज की शूटिंग रही है वो तो मैं आपको बाद में बताता हूँ। और भाई जी आप कैसे हो? हेलो, बढ़िया। तो अभी दोस्तों शूटिंग में ना यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि हमारे जो दोस्त आए हैं ना ये थोड़ा सही कर नहीं पा रहे इसमें नहीं, एक्चुअल में बहुत अच्छा शूट चल रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। बट टाइम के साथ साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि भाई पहाड़ ना सामने बहुत बड़ा है और इसके ऊपर चढ़ते चढ़ते मेरे को नहीं लगता कि आज वहाँ तक भी पहुँच पाएंगे। कोशिश करेंगे वहाँ तक जाने का, बट आगे क्या होता है क्या नहीं वो तो चलो आगे पता चल ही जाएगा। फिलहाल अज्जू भाई अपने हीरो। अजय भाई चलो बैठ जाओ, हीरोइन के साथ बैठो बैठो, बैठा दे। तुम शर्मा ही बहुत रहे हो यार, क्या चक्कर? यार देखो ना वो आप भाई लोग कितना सीरियस होकर शूट कर रहे हैं, तो हीरोइन ही बोलूंगा। तो अभी दोस्तों तैयार हो गए। एक्चुअल में एक शूट यहाँ पे मेरे को भी लेना है जहाँ पे कि मैं बन रहा हूँ भाई ट्रैकर, मतलब पूरा अपना सामान वान का तैयारी करके, और ये लोग इधर बैठे रहेंगे। मेरे को क्या बोलना है? चलो पहाड़ पे, चलो पहाड़ पे। वो आजकल मीम कौन सा वो वायरल हो रखा है, मोहब्बत गई भाड़ में चलो बाबे, आपे नहीं बाबे चले पहाड़ में। तो हाँ, सारे के सारे बाबे यहाँ पे इकट्ठे हो गए। हेलो, ठीक हो? चले? चलो फिर। 1 hour later. Action. टाइम हो गया, चले? चलो। तो चलो दोस्तों एक शूट तो हमारा हो गया डन। अभी थोड़े कपड़े चेंज करने पड़ रहे हैं। एक्चुअली मैं सही बताऊँ तो मैं तो भाई ऐसा कोई मॉडल हूँ नहीं, नहीं तो मेरे को एक्टिंग आती है, तो थोड़ा सा टाइम जो ना ज़्यादा लग रहा है। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक्चुअल में इस चल किस चीज़ की शूटिंग रही है और किस चीज़ के रिगार्डिंग जो हम पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं। अब ऐसा है ना, मेरे को लगता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी है मतलब जो कि यूट्यूब पर दिखानी ज़रूरी है, मतलब उनको एक अच्छा मैसेज मिलता है लोगों को देखने का ना। तो उसके ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बना रहे हैं जो कि आने वाले टाइम में आप लोगों के सामने आ जाएगी, बस आप लोगों को बने रहना है। तो चलो अभी फटाफट रेडी होते हैं और रेडी होके पहुंचते हैं सड़क में। चलो फाइनली सामान हमारा यहाँ पे हो चुका है भाई कुछ अच्छी तरह से पैक, जो भी नाइट वाइट का सोने का होता है ना पूरा का पूरा रख लिया यहाँ पे। बाकी थोड़ा सामान कम है, उसका जुगाड़ वहाँ ऊपर हज्जू भाई के मामा का घर है वहाँ कर लेंगे। तो अभी दोस्तों मतलब इस रोड पे मैं ज़्यादातर आया नहीं हूँ, तो मैंने क्या किया ना गाड़ी को फर्स्ट या सेकंड गियर में ही रखा था और रेस थोड़ी ज़्यादा रखी थी इस डर से कि गाड़ी रुक ना जाए, बट उसका ऑपोजिट हो गया। गाड़ी यहाँ पे गर्म हो गई थी और थोड़ी देर यहाँ पे रुकनी पड़ रही है। हाइट तो काफ़ी अचीव कर ली है, बस वो ऊपर वाला एक दो मोड़ क्रॉस करने हैं, फिर वहाँ तक हम एक बार पहुँच जाएंगे ना, सब चीज़ें सही हो जाएगी। तुम्हें तो नहीं डर लग रहा ना? क्योंकि मैंने ऑलरेडी इनको बता के रखा है कि ऐसा सर्कल है ना कि मेरे को यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ और चलाने आती ही नहीं। वैसे फिलहाल इनका नाम है संगी बोध और ये फ्रेंड बने थे मेरे कुल्लू में, ठीक है, और ठीक ठाक है सब कुल्लू वाले बढ़िया है। वैसे स्पीति से लेकिन फ्रेंड बने थे कुल्लू में, तो इनका था कि होमस्टे को आना है, घूमने होमस्टे को आना है। मैंने कहा चलो आना, तो अब ट्रैक करना था, तो चलो वो विश भी हो जाएगी पूरी, क्या लगता है? तो आधे रास्ते में रुकना पड़ेगा मेरे को तो लग रहा है। तो अभी दोस्तों फाइनली हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां से कि हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा। एंड मेरे को उम्मीद थी कि शायद से गाड़ी की धोखा ना दे दे रास्ते में, बट चलो कुल मिला के उसमें थोड़ा पानी वानी डाला तो आ गया। तो यहाँ से कुछ जो नज़ारा है ना वो कुछ इस तरह का दिखता है, मतलब क्या ही बोले, औसम जब इतनी हाइट पे आते हैं। बट यहाँ पे स्टिल लोगों के घर है। अब यहाँ से हमें चढ़ना है ऊपर 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 ऊपर, और हम उससे ऊपर ऊपर सोच कर रखा है कि वहाँ पे जाके टेंट लगाएंगे। तो दोस्तों चढ़ते चढ़ते अभी लगभग शाम का टाइम होगा और यहाँ पे देखो भाई कितने सारे घोड़े जो है ना वो घास चरने के लिए आते हैं। एंड मेरे को लगा नहीं था कि मतलब तुम भी आ जाओगे यार ऐसे, मतलब ऊपर ऊपर तक। स्पीति से हो ना? स्पीति कौन सी जगह से? काजा। काजा, अच्छा। तो काजा के लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं यार, ये मेरे को पता चल गया क्योंकि वही वहाँ से लेकर रोड से चले ना। और देखो इनका घर पर है। किनका? आपका घर। हाँ वो तो मेरे को बहुत ही डाउन में दिखता है ना वो देखो, बट वहाँ से चले चले अभी तक रेस्ट ना तो इन्होंने बोला है कि करना है, लेकिन पीछे वाली गैंग का बुरा हालत है मेरे को लगता है। वो सामने भी नहीं नजर आ रहे। चलो अभी क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ते जाते हैं। ऊपर से भी लोग आ रहे हैं, कुछ ऊपर शायद मंदिर में कुछ जगराता वगैरह था, तो वहाँ तक पहुँचते हैं। फिर देखते हैं कि कहाँ पे जो है वो टेंट फाइनली हमें डिसाइड करना है कि कहाँ लगाना है। तो दोस्तों साथी हमारे आपको शायद से नीचे नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पे अज्जू भाई है, वहाँ पे दूसरे भाई हैं, वहाँ पे तीसरे भाई हैं, सब चल रहे हैं अपनी अपनी जगह। और बड़ा ही कमाल करना है, यहाँ से आप देख सकते हैं सनसेट जो भी दिख रहा है, मतलब औसम लग रहा है भाई नज़ारा। और अभी तक इधर संगी जी ने हार नहीं मानी है। संगी बोलते हैं ना, संगी नहीं, 2-3 नाम है ना, पहले तो कुछ और ही बता रहे थे, अंजलि अंजलि या संगी, अंजलि संगी बोध ऐसे करके। चलो बढ़िया, तो आगे आगे ही चल रहे हैं तब से, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। और धूप अभी निकली हुई है, बस सोच रहे हैं कि वहाँ पे जाके हम टेंट लगा देंगे। और भाई चलो चढ़ते जाते हैं, साथ में और लोग भी आ रहे हैं जो कि शायद से मंदिर की तरफ जा रहे हैं। तो वही दोस्तों फाइनली उस जगह पे तो पहुँच गए जहाँ पे कि हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे टेंट लगा दे, क्योंकि अरे परे का जो व्यू है ना, मतलब क्या ही कमाल का दिख रहा है। और थोड़ी देर में बाकी के टीम मेंबर भी पहुँच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अच्छी है लोकेशन, लाल तो रहने दो। अरे लोकेशन अच्छी है या नहीं? बहुत अच्छी है, बढ़िया है ना। हाँ। तो यहाँ से अभी वैसे तो ऊपर चढ़ना है, लेकिन यहाँ पे ना बढ़िया व्यू है, क्योंकि सामने आप देख सकते हैं ये है मणि महेश पर्वत। और बस कुछ इस तरह से यहाँ पे टेंट वेंट लगाते हैं। तो कैलाश बोल रहे थे। हाँ, कैलाश पर्वत बोल लो, मणि महेश बोल लो, एक ही बात है। तो बस यहाँ पे अब इधर पे सोच रहे हैं कि यहाँ पे लगाते हैं। और व्यू कमाल का यार, मतलब ना दिल नहीं भरता है देखते क्या, जितना ऊपर और चढ़ेंगे उतना ही अमेजिंग और लगने लगेगा। चलो जितनी देर वो लोग आ रहे हैं ना, हम टेंट लगा देते हैं। ये हम लोगों के लिए टेंट आ गया। आप लगा लेते हो खुद के लिए टेंट? चलो बढ़िया, फिर कौन से आप उस लोकेशन पर लगा लो, इधर पास ही लगाते हैं या तो, क्योंकि बढ़िया रहता है आस पास में। इस हाँ, वो जो मंदिर को जा रहे जो रुक नहीं रहे हैं, बस हमारे साथी थोड़े पीछे रह गए, वरना इस टाइम पे हम भी ऊपर ही पहुँच गए होते, क्योंकि इससे ऊपर चढ़ के ना और भी प्यारा नज़ारा है। लेकिन उससे पहले हम लगा लेते हैं टेंट। मैं दिख रही हूँ? तो फाइनली दोस्तों हमारे जो टेंट है वो यहाँ पे लग चुके हैं, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। दो के 2 टेंट है एंड अज्जू भाई पहुँच चुके हैं। अज्जू भाई बाकी कहाँ रह गई गैंग? अरे तो भाई प्रॉब्लम ये होगी है कि इनके टेंट का ना ये ऊपर वाला कपड़ा है ही नहीं। ठीक है, और भाई रात को बारिश हुई ना, तो ये वाला कैसे लगाऊं? यही लगेगा क्या? हाँ यही लगेगा। अरे नहीं भाई, हाँ यही लगेगा, सही है सही है। ये वाला इधर लग जाएगा। अच्छा तो ऐसा होगा तो यार, सिंगल मैन के लिए बहुत है। हाँ वही है, सिंगल पर्सन के हिसाब से अगर सोचा जाए। अरे मैं समझा, आप इसको यहाँ लगाओ, इसको यहाँ, इसको यार खींच के यहाँ लगाओ। मेरे को पता है, तो मेरे को भी लगेगा। अब जितने से यार जितना सा बंदा होता है ना, उसके लिए वो समझ रहे हो ना, साइज भी उतना होता है। ठीक है, टेंट तो दोस्तों बाकी में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है ये, डोंट मतलब कोई शक नहीं है इस बारे में। तो अभी करना क्या होगा कि यहाँ पे करते हैं लकड़ियों का जुगाड़, जितनी देर में वो भाई लोग पहुँच जाते हैं यहाँ पे। अजय पहुँच तो जाएंगे भाई लोग, एक तो भाई आराम से आ रहे हैं ना, एक भाई बस थोड़ी टाइम के बाद पहुंचने। पानी पिला दो यार भाई, बहुत प्यास लगी। दोस्तों कुल मिला के ना हम सारे के सारे लोग आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ी थोड़ी लकड़ियाँ जो इकट्ठी करके ले आए। चलो हाँ, कुल मिला के कितनी सारी हो गई ना, है ना। तो कैमरा तो मैं वहीं पे छोड़ के आ गया था। तो दिक्कत ये आ रही है, आगे का रास्ता दिख नहीं रहा। टेंट भाई वो सामने वाले पहाड़ी के ऊपर है, वो सिंगल सा बंदा दिख रहा है ना आपको, छोटा सा। यहाँ पे जाना है, और क्योंकि लकड़ी मिलती नहीं है भाई ज़्यादा टॉप के ऊपर ना, तो देख के जाना पड़ता है। तो भाई फाइनली अभी यहाँ पे लकड़ियाँ पहुँच चुकी है, और हमारी जो आग है ना वो जल चुकी है। एंड यहाँ पे खाने के लिए कुछ भाई चिकन वगैरह रखा हुआ है, सबके सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से यहाँ पे जो पार्टी है वो चल रही है। एंड कैसा एंजॉय आ रहा है, अच्छा लग रहा है? एंड ब्रो आपको? हाँ भाई, क्या ही चिकन खा रहे हो भाई साहब, क्या बात है। तो खाना वाना खाने के बाद दोस्तों फाइनली अभी लाइट का तो कोई सोर्स है नहीं, तो चलो आपसे कल मिलते हैं एंड उसके बाद बताता हूँ कि आगे आगे क्या होता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।